अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। मेरा नाम है विकास यादव, आप देख रहे हैं रिएक्शन फंडा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। उसका टाइटल है पुणे सिटी 2020 महाराष्ट्र फैक्ट एंड व्यूज इंडिया। इस भाई ने इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी, उनका नाम है रुतराज रनपाई। पता नहीं ये मैंने अब गलत पढ़ा है या सही पढ़ा है, भाई अगर गलत हुआ तो माजरत। इस चैनल से हमने ये वीडियो ली है, उसका नाम है डेब्यू यूट्यूब। वीडियो को व्यू करते हैं, उसके बाद रिव्यू देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली आ नहीं हो वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे महाराष्ट्र की दूसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र का दूसरा बड़ा शहर पुणे। महत्वपूर्ण आईटी सेक्टर के रूप में सामने आया है, जहाँ पे इंजीनियरिंग हब, एजुकेशनल हब और आईटी हब मौजूद है। इंडिया के अपकमिंग मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट हाइपरलूप भी इसी शहर में चलने जा रहा है। हाइपरलूप जबरदस्त। बाजीराव की ऐतिहासिक इमारतों के साथ साथ आज के दौर की न्यू हाईटेक बिल्डिंग यह शहर बदल चुका है। इस शहर में रहने वाले अपने आप को पुणे कर कहता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं पुणे शहर को। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को भी आप कर दिया करें। आपको मिलते रहे। पुणे इंडियन स्टेट महाराष्ट्र की दूसरा सबसे बड़ा शहर है मुंबई के बाद। पुणे को पहले पुणे कहा जाता था, बाद में 1978 में पुणे नाम चेंज करके पुणे रख दिया गया है। पुणे इंडिया का 8th लार्जेस्ट सिटी और इंडिया का एक इम्पोर्टेंट आईटी हब भी है। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि शहर में काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और यहाँ के शिक्षा के मान भी बहुत ऊंची है। इंडिया के बेस्ट स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट शहर में मौजूद है। पुणे में बड़ी संख्या में ऑटो निर्माताओं की वजह से पुणे को डिट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह शहर अपनी वेरियस कल्चर एंड जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए भी बहुत मशहूर है। इस वजह से भारत के शहर में एक सांस्कृतिक और समुदाय का मिलन केंद्र बनता है। इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी पुणे में मौजूद है। टोटल 212 सॉफ्टवेयर कंपनी पुणे में स्थित है। पुणे पुलिस को सेकंड बेस्ट पुलिस फोर्स माना जाता है इंडिया में मुंबई के बाद। एनुअल सर्वे ऑफ सिटी सिस्टम की तरफ से पूरे इंडिया में पुणे को नंबर 1 पोजीशन मिला है 2018 के लिस्ट में। 4.5 पॉइंट पाकर पुणे इंडिया के टॉप 10 बेस्ट सिटीज के लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस लिस्ट में इंडिया के टॉप 10 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जगह नहीं मिला वहाँ पे पुणे नंबर 1 पोजीशन पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबरदस्त। पुणे में नंबर ऑफ टू व्हीलर्स चलते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्कूटी इस शहर में चलती है। पुणे की मेल लिटरेसी रेट परसेंटेज है 92.72%, फीमेल लिटरेसी परसेंटेज है 81.13%, और डिजिटल लिटरेसी परसेंटेज है 87.19%, जो कि नेशनल लिटरेसी रेट से भी ज्यादा है। अगर शहर की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लोकल बसेस चलते हैं, ऑटोज है और शहर रेलवे के थ्रू कनेक्टेड है। शहर के 10 किलोमीटर दूर पर ही पुणे एयरपोर्ट भी मौजूद है। पुणे एयरपोर्ट इंडियन एयरफोर्स के हाथों में है। यहाँ पे कॉमर्शियल एंड डिफेंस के एयर एक ही ट्रैक पर उड़न भरते हैं। पुणे में मेट्रो रेल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि कंप्लीट होने के बाद ऑपरेशनल किया जाएगा। क्लाइमेट दोस्तों, पुणे में हर साल एक प्रेजेंट वेदर रहता है, क्योंकि शहर पहाड़ी एरिया से घिरा हुआ है, जिस वजह से काफी सारे पर्यटक यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। पुणे के आसपास कई सारे फोर्ट, मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस है। इसके अलावा 2 घंटे के सफर में और एक प्यारा सा हिल स्टेशन लवासा भी जाया जा सकता है, जो कि पुणे से सिर्फ 57 किलोमीटर दूर पर बसा है। इतना दूर तो नहीं है। पुणे की सनीवट बर्डर वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। अगर आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखा है तो सनीवट बर्डर देखा तो नहीं है, आप देखना पड़ेगा। अगर पुणे की पॉपुलेशन की बात करें तो 2017 के लिस्ट के अकॉर्डिंग 34 लाख आबादी वाला शहर है जो पुणे को बनाता है इंडिया का 9th पॉपुलर सिटी। हाइपरलूप के बारे में तो लगभग हम सभी ने सुना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये शहर में भी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आने वाले है। पुणे से मुंबई तक हाइपरलूप चलाने की प्लानिंग गवर्नमेंट बना रही है। चलिए पुणे के जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। पुणे इंडिया का टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के लिस्ट में 5th पोजीशन पर है विद एन अप्रोक्सीमेटली जीडीपी ऑफ $48 बिलियन।
पुणे में रहने वाले अपने आप को पुणे कर कहता है और यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी, लेकिन हिंदी और इंग्लिश से भी लोग यहाँ भी मैक्सिमम बोली जाती है। पुणे की मेट्रोपोलिस एरिया है 331.26 किलोमीटर। तो दोस्तों, पुणे शहर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट पे आपको जरूर बताना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके आप अपना ओपिनियन बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो फिर करना है, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत जबरदस्त वीडियो थी, बहुत जबरदस्त व्यूज थे, बहुत जबरदस्त रोड्स थे। टू व्हील ट्रांसपोर्ट के बारे में जो बताया गया कि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शहर में यूज होती है, जबरदस्त है, बहुत मजे की चीज थी ये। ओवरऑल देखा जाए तो तालीम के मामले में भी ये सिटी बहुत आगे है, लोकेशन के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के हवाले से, भाई कमाल है, हर चीज ही अच्छी थी। इस वीडियो में आपको जो चीज ज्यादा पसंद आई है वो कमेंट्स करके आप हमें भी बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी वीडियो पे रिएक्शन देखना चाहते हैं तो आप वीडियो का लिंक हमें कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।